करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। ये अंदर की बात है कि बीजेपी इन दिनों मिशन 2023 को फतह करने की तैयारी में जुटी हुई है, जहां इंदौर में भी इसी तरह की तैयारी संगठन की ओर से की जा रही है। ये अंदर की बात है कि दादा दयालु यानी एमएलए रमेश मेंदोला अपनी विधानसभा की जनता के लिए सदैव समर्पित रहते हैं, जहां पूरे 5 साल जनता के लिए तन मन से सेवा करते रहते हैं। इन दिनों एमएलए रमेश मेंदोला पैर में लगी चोट से थोड़ा परेशान जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा और समर्पण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पैर में चोट लग जाने के बाद भी वे लगातार मैदान में दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वे जनता की सेवा में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। हाल ही में दादा दयालु अलग अलग कार्यक्रमों में नजर आए, तो वहीं कावड़ यात्राओं में भी उन्होंने हिस्सा लिया। बहरहाल लगातार जनसेवा के मैदान में नजर आ रहे दादा दयालु की यह मेहनत मिशन 2023 में क्या कुछ असर दिखाती है, ये अंदर की बात है।